दोस्तों चले आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद ने। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया हम तो डीएलएड करने जा रहे हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है कल परसों से आपके बीच में पिछले एक ट्रेंडिंग का मुद्दा बन चुका है, 27,000 के समथिंग जो प्राथमिक विद्यालय है उसको बंद करने की नोटिस आपके बीच में आ रही थी। ठीक है, लेकिन सारी चीजें कल ही स्पष्ट कर दी गई थी कि ये नोटिस क्या है, कैसे है। पूरा बेसिक शिक्षा विभाग अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर डाल करके उस नोटिस को फर्जी करार दिया है ना। लेकिन फिर भी आपके कुछ डाउट्स बन रहे थे, जैसा कि देख सकते हैं यूपी डीएलएड में एडमिशन लेने से पहले सावधान। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपका सिर्फ एक मुद्दा बचता है कि चलिए हम भविष्य में अपने आप को प्राथमिक शिक्षक के तौर पर देखेंगे। भाई जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, जब आपके बीच में विद्यालय ही नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है डीएलएड करने का कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो देख सकते हैं 27,764 स्कूलों को बंद करने का जो निर्देश था उस जो है नोटिस में दिया गया था। तो आप जब उस नोटिस को देखे तो आपके दिमाग में ये आया कि यार अब तो डीएलएड करने के कोई फायदे ही नहीं होंगे, क्योंकि भाई जब विद्यालय ही नहीं रहेंगे तो शिक्षक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है ना। और जब शिक्षक की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक भर्ती आएगी नहीं, और जब शिक्षक भर्ती आएगी नहीं, ठीक है, तो इस तरह से एक एक तार आपके बीच में जुड़े हुए हैं है ना। तो इसी बीच में शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा जी ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि नहीं, जो नोटिस जारी की गई है या वायरल की जा रही है वो पूरी तरह से फर्जी है ना। भाई अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपने सोच रखा है कि नहीं हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे या अपने आप को शिक्षक के पद पर देखेंगे, ठीक है, तो आपने डीएलएड सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना है ना, खासकर प्राथमिक के लिए। भाई आपको पता है बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है, ऐसे में सिर्फ एक रास्ता है बीएड और डीएलएड, सॉरी बीटीसी और डीएलएड वालों के लिए है ना। वो अगर डीएलएड करते हैं या बीटीसी जो कर चुके हैं, भाई पहले बीटीसी था बाद में 2017 के बाद डीएलएड हुआ है ना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है। चलिए हम उसके यहां देख सकते हैं कुछ प्रूफ मैंने आपके बीच में दे रखा है, लेकिन कुछ चीजों को हम दिखाना चाहेंगे ताकि ये जो डाउट्स आपका बन रहा भैया वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिएगा आपके बीच में यहां देख सकते हैं अभी ये न्यूज में निकल कर आ रहा है, देख सकते हैं बहन जी ने मात्र एक ट्वीट से योगी सरकार के फैसले को वापस लिया। भाई ये अपने तरफ से लोगों ने लिखकर डाला है, यूपी में कोई भी सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा। ये देख सकते हैं ये पेपर जो है पूरी तरह से न्यूज में भी चीजें दी जा रही हैं, और भी इसके संदर्भ में हम दिखाएं। हालांकि यहाँ चीजें दी गई हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री जो है जिन्हें यहाँ देख सकते हैं बहन जी ने भी अपने इस जो है जो नोटिस जारी की गई थी उसको जो है पूरी तरह से इस पर नाराजगी जाहिर की थी है ना। और देख लीजिए आपके बीच में, यहाँ देखिएगा चीजें यहाँ भी आपके बीच में स्पष्ट की जा रही हैं, यूपी के स्कूलों को लेकर विपक्ष का झूठा प्रोपोगंडा। ठीक है, यहां देख सकते हैं बंद नहीं मर्ज होंगे 50 से कम संख्या वाले स्कूल। मर्ज का मतलब जैसे जिस विद्यालय में 50 से कम संख्याएं हैं उसमें से बच्चों को ले जाकर के दूसरे वाले प्राथमिक विद्यालय में शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, मर्जर के बाद छात्रों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं, 2017 से पहले दयनीय हालात से अब आधुनिक सुविधाओं से लैस है प्रदेश के स्कूल, यूनिफॉर्म स्वेटर ये सब सारी चीजें तो होती रहती हैं, आपको इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। देखिएगा इधर भी आपके बीच में कुछ चीजें दी गई हैं स्पष्ट तरीके से, यहाँ देखिए अब यहाँ भी देख सकते हैं पूरी तरह से कम बच्चों पर स्कूलों के विलय को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग का यू टर्न। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कहा जा रहा है आपके निर्णय के विरोध से जो है नौ को करेंगे प्रदर्शन संजय सिंह। भाई आप मुख्यमंत्री यानी कहा जाए पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के माननीय अरविंद केजरीवाल ने भी इस फैसले को पूरी तरह से नाराजगी जाहिर की थी कि जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको सुदृढ़ करने के बजाय ये बंद करने जा रहे हैं। इस फैसले को कहीं ना कहीं जो भी नोटिस चाहे वो सही रही हो या फर्जी रही हो, बाद में उस नोटिस को फर्जी करार दिया गया है ना। लेकिन जो विपक्ष पार्टियां थी उस नोटिस की बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने बहिष्कार किया, और फाइनली जो बेसिक शिक्षा विभाग बना हुआ है जो है
वो पूरी तरह से उस नोटिस को फिर से वापस लिया। ठीक है, यहां पूरी चीजों को देख सकते हैं। कहा जा रहा है सरकार के निर्णय से रुक जाएगी गरीब बच्चों की पढ़ाई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी। ठीक है, और जाहिर सी बात है आपको बेहतर तरीके से पता होगा प्राथमिक विद्यालय में किसके घर के बच्चे पढ़ते हैं। यार मेरा तो रोंगटा खड़ा हो जाता है कि काश इसमें हर किसी प्रत्येक घर के बच्चे अगर पढ़ते तो शायद आज जो स्थिति है वो स्थिति नहीं होती। ठीक है, जिनकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी है वो हर कोई चाहता है। ठीक है, हम आप चाहते हैं कि टीचर बन जाएं, लेकिन हम आप ही नहीं चाहते हैं कि हम टीचर बन के अपने बच्चों को ले जाएं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाएं। ठीक है, अगर हर कोई इंसान ये चाहने लगे तो शायद आज जो स्थिति प्राथमिक विद्यालय की है वो स्थिति नहीं रह जाती, है ना। लेकिन दिमाग पता नहीं लोगों को कहां गया है ना। ये सोचनीय है, ये सोचना पड़ेगा हम सभी को। बाकी आप भी थोड़ा सा इसके संदर्भ में जो आपके दिलों दिमाग में चल रहा होगा कृपया करके उसे भी हमें भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देख सकते हैं पहले भी जल्दबाजी में हुए निर्णय से हो चुके हैं किरकिरी। यहां सारी चीजें और भी दी गई हैं बट आप देख सकते हैं, देखिएगा देख सकते हैं कहा जा रहा है। देखिएगा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह जी हैं, इनकी तरफ से जब पूछा जाता है ये महोदय कहते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक का अनुपात पूर्ण है। ठीक है, हमें शिक्षक भर्ती की जरूरत नहीं। और अगर एग्जैक्टली यार देखा जाए तो हमारे बीच में लगभग जो है, ठीक है, हमारे बीच में लगभग 1.42 यानी 1,42,000 पद रिक्त है। ठीक है, ये बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन ये कहते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात को मिलाकर हमारा जो होता नहीं है कि अनुपात है वो हमारा पूर्ण है, लेकिन ये पूरी तरह से बहरहाल गलत है। देख सकते हैं यहां भी सेम वही चीजें दी जा रही हैं, आप देख लीजिएगा। विद्यालयों को मर्ज करने को लेकर, ठीक है, मामले से पीछे हटा बेसिक शिक्षा विभाग। भाई जाहिर सी बात है जब लोगों ने चुटकियां लेना शुरू किया तो पूरी तरह से इन्होंने आदेश जारी किया। कहा जा रहा प्रदेश के 50 से कम नामांकन वाले प्रसिद्ध विद्यालयों को मर्ज करने के मामले में बेसिक शिक्षा विभाग सोमवार को बैकफुट पर आ गया। बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व आप सांसद श्री संजय सिंह ने इस मामले में प्रदेश सरकार को घेरा। इसके बाद विभाग ने इस मामले पर अपनी सफाई जारी की। विभाग के आधिकारिक एक्स से ट्वीट किया गया कि प्राथमिक विद्यालयों के पास विद्यालय में, ठीक है, विलय और जो है देख सकते हैं विलय मर्ज करने की बात भ्रामक और निराधार है। किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने की जो क्रिया है या प्रक्रिया है वो गतिमान नहीं है। प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा विभाग विद्यालयों मानव संसाधन और आधारभूत सुविधाओं के विकास शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने तथा छात्रों के विशेषकर जो है बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। महानिदेशक देख सकते हैं कंचन वर्मा ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में कायाकल्प निपुट प्रेरणा आदि योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति व सुधार हुए हैं। यहाँ इन चीजों को देख सकते हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना आपको बताना चाहेंगे ये जो भी आपके बीच में ये नोटिस जारी की गई है ये पूरी तरह से फर्जी है। भाई ये जो थंबनेल पर ये चीजें लिख रखा है, ठीक है, ये भी पूरी तरह से गलत है ना। कोई भी प्राथमिक विद्यालय आपके बंद नहीं हो रहे हैं। अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपने चुना है शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। बाकी आपकी क्या राय है, आप लगातार इस मुद्दे पर वीडियो चाह रहे थे, मैंने आपके बीच में वीडियो दिया। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।